लेकिन बिल्डिंगों पर कराची में इस तरह के बोर्ड देख सकते हैं आप, बिल बोर्ड की भरमार है, जो कि कराची के शहरियों के लिए मौत का साया मैं कह सकता हूँ। मूनसून की पहली मामूली सी बारिश और दरमियाने दर्जे की एक तूफ़ानी झक्कड़ की वजह से ये बरसों पुराना दरख्त, पीपल का दरख्त, जो कि नागर चुरंगी के करीब इकबाल प्लाजा फ्लैट के करीब लगा हुआ था, ये जड़ से उखड़ कर गिर चुका है। इसके जद में कई गाड़ियाँ आई हैं, अल्लाह का शुक्र है किसी किस्म के इंसानी जान का नुकसान नहीं हुआ, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। कई गाड़ियाँ इस दरख के जद में आई हैं, सबसे पहले ये सिविक है जो कि दरख से मुतासिर, इसका फ्रंट हिस्सा मुतासिर हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड पे एक खैबर गाड़ी है जो कि मुकम्मल तौर पर इस दरख के नीचे दबा हुआ है, देख सकते हैं आप ये खैबर। और इसके साथ एक और गाड़ी मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं, दब के कंडीशन देख सकते हैं आप, मुकम्मल तौर पर ये तबाह हो चुका है दोस्तों। एक गाड़ी ये लेफ्ट साइड पे, उसके बाद ये सुजुकी खैबर, और आगे मज़ीद गाड़ियां हैं जो कि, और कुछ दुकानों के शेड वगैरह भी टूटे हैं। काफ़ी तनावर पीपल का दरख्त, देखिए कितना बड़ा दरख्त है ये, अल्लाह अकबर, और काफ़ी पुराना दरख्त है ये, कम से कम 40-50 साल पुराना ये दरख्त होगा यकीनी तौर पर, इससे अंदाज़ा हो रहा है। इसको देख के, इसके जड़ को देखें आप, ये होंडा सिविक, इसका फ्रंट हिस्सा मुतासर हुआ है, ये देखें इसका तना देखें, इसकी जड़ देखें, जड़ से उखड़ चुका है ये। अच्छा ये देखें, ये इसका फ्रंट हिस्सा अभी भी दबा हुआ है, ये इसका जड़ देखिए आप, जड़ से उखड़ चुका है। अरे भाई देख के भाई, अरे ये छपरे वपरे भी दरख्त से मुतासिर हुए, इसे भी यहाँ से चादरें वादरें हटाई जा रही हैं। काफ़ी कितना पुराना दरख्त होगा भाई ये, कुछ कितना कुछ पता है, 30-40 साल 50 साल, लगभग 50-60 साल पुराना होगा मेरे भाई, 50-60 साल पुराना, आपसे भी पुराना, हम सबसे पुराना, 50-60 साल पुराना ये पीपल के दरख्त, जो कि एक हवा के तेज़ झोंके की वजह से ज़मीन पे आ चुका है, ज़मीन बहुत हो चुका है। लेकिन बिल्डिंगों पर कराची में इस तरह के बोर्ड देख सकते हैं आप, बिल बोर्ड की भरमार है, जो कि कराची के शहरियों के लिए मौत का साया मैं कह सकता हूँ। कभी भी तेज़ हवाओं की वजह से ये बोर्ड नीचे आ सकता है, और नीचे देख सकते हैं लोगों की आमदोरफ्त होती है, बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, औरतें, ट्रांसपोर्ट यहाँ से रवा दवा है। और इस इमारत के छत पर देखिए किस कदर बड़ा हेवी ये बोर्ड लगा हुआ है, जो कि एंगल से बना होता है, लोहे के एंगल से बना होता है। और कल भी मैंने आपको दिखाया नॉर्थ कराची के इलाके में इसी तरीके का एक बड़ा बोर्ड नीचे आ गिरा था, जो अल्लाह पाक की रहमत की वजह से किसी जानी नुकसान के लिए काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। कराची के बेशतर ऊंची इमारतों पर इस तरह के बोर्ड आपको नज़र आएंगे, जो कि किसी वक्त भी बड़े हादसात को जन्म दे सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।